रानीखेत के बगवाली पोखर में 4 दिवसीय ऐतिहासिक बगवाई कौतिक मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक मदन बिष्ट और ब्लॉक प्रमुख दीपक किरोले ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर किया। वहीं मेले में कपकोट से विधायक सुरेश गड़िया ने भी शिरकत की। बगवाली पोखर में 4 दिवसीय ऐतिहासिक बगवाई कौतिक मेले का आयोजन किया गया। यह ऐतिहासिक बगवाई कौतिक लगभग 90 साल पहले से चला आ रहा है। इस मेले को भैया दूज के दिन से शुरू किया जाता है। यहाँ भंडर गांव के लोग नगाड़े के साथ ओढ़ा भेंटने की रस्म को निभाते हैं। इसमें भंडर गांव के प्रधान और थोकदार जो 2 जोड़े नगाड़े निशान लेकर आते हैं और ओढ़ा भेंट करते हैं, वहीं लेकिन इस बार एक ही जोड़ा ओढ़ा भेंटने की रस्म को निभाया गया। इस दौरान क्षेत्रीय कलाकारों और स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। रानीखेत से गोपाल सिंह पिष्ट की रिपोर्ट। ये बड़ा पौराणिक त्योहार है, इसमें बंगाल के उसमें हमारे यहाँ से जोड़ा उठता है। दो गोली उस हमारे गांव के हमारे ग्राम में बनर गांव है जिसमें घोड़ा का उद्घाटन होता है। जिस तरीके से चौराहट के अंदर ये बहुत पौराणिक भगवान का मेला है, इसमें हमारे यहाँ की एक प्रथा है, जितने भी करोड़ों घाटी के लोग हैं वो सभी इस मेले में पार्टिसिपेट करते हैं। उन्हीं भगवान मेलों से में से एक मेला बगवाई का मेला हमारे बगवाली पोखर क्षेत्र में होता है। इसको बगवाई का कौतिक कहते हैं। ये भैया दूज के दिन मनाया जाता है हर वर्ष। भंडर गांव के थोकदार और प्रधान के प्रतिनिधित्व में यहाँ पर नगाड़े आते हैं, 2 जोड़ी निशान आते हैं, श्रृंगार वगैरह करते हुए सारे मेलार्थी खेलते कूदते गाते यहाँ आते हैं। ओड़ा भेटने की रस्म होती है।